Assalamu alaikum, dear sixth class fellows, students. I hope you are all fine and enjoying your good health. God, may Allah bless you all at home. Aka letter aapka beta, letter to your uncle thanking him for the gift on your birthday. Aapki birthday par uncle ne jo gift diya uske bare mein unhe shukriya ada karna hai. एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं आप, उसके बाद कॉमा डालेंगे, फिर सिटी आप ए बी सी कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, फिर डॉट आप यूज़ करते हैं, नॉट कॉमास. उसके बाद आपने जुलाई 6 यानी महीना और तारीख डालनी है, फिर कॉमा आ जाएगा और फिर साल का नाम आ जाएगा 2021 या 2020 या वट एवर 19. उसके बाद फुल स्टॉप डालिए और फिर मुखातिब कीजिए डियर अंकल. उसके बाद आपने कॉमा यूज़ करना है और थोड़ा सा गैप छोड़ना है नीचे पैराग्राफ शुरू करने के लिए. तो ट्रांसलेशन कुछ यूं होगी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर. आपका मोहब्बत भरा शफकत भरा खत मुझे मिला, शुक्रिया आपका. एंड द प्रेजेंट, और आपका शुक्रिया उस गिफ्ट का, प्रेजेंट का, ऑफ रिस्ट वॉच जो आपने मुझे घड़ी का तोहफा भेजा है ऑन माई बर्थडे सालगिरह पर, इसके बारे में भी आपका बहुत शुक्रिया. विच आई रिसीव्ड यस्टरडे, अभी मुझे कल ही मिला है. योर चॉइस ऑफ ए रिस्ट वॉच इज़ वेरी गुड, आपने जो घड़ी का इंतखाब किया है बहुत अच्छा है. आई हैव डिलाइटेड विद इट, इसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये जो मिली है इससे मैं बहुत खुश हूँ, डिलाइट हूँ. आई कीप इट विद ग्रेट केयर, मैं इसको बड़े ध्यान से रखता हूँ, एहतियात से रखता हूँ. आई वाइंड इट, वाइंड आई लव्स नॉट विंड. आई वाइंड इट रेगुलरली एवरी मॉर्निंग, मैं इसे हर सुबह चाबी बाकायदगी से देता हूँ. वाइंड मैंने चाबी देना, घड़ी को जो चाबी देते हैं. इट हैज़ मेड मी पंक्चुअल, इसने तो मुझे पाबंद बना दिया है. आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल नाउ, अब मैं स्कूल से भी मुझे देर नहीं होती. आई थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस वैल्यूएबल गिफ्ट, इस कीमती वैल्यूएबल गिफ्ट से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ एक मरतबा फिर. से माई सलाम टू ऑल एट होम, घर पे सबको सलाम. योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा या प्यारी जो भी हो सकता है, आगे कॉमा डालिएगा और उसके बाद एक्स वाई जेड कैपिटल लेटर्स में ये आपका लेटर इस तरह लिखा जाता है. फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है, हर वीडियो में मैं कह देता हूँ आप लोगों को, तो ध्यान रखें. थैंक यू वेरी मच, इन्जॉय योर स्टडीज़.